और ये कढ़ी चावल सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा। ये देखो क्या लिखा है, कढ़ी चावल और 10 रुपए। तो कैसे हो भाई लोग, आज अपन आ रखे हैं साई अन्नपूर्णा में, और ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पर आपको 10 रुपए का राजमा चावल, 10 रुपए के कढ़ी चावल, 10 रुपए के छोले चावल, साथ में दाल चावल और रायता भी सिर्फ 10 रुपए का। तो भैया ने कुछ ऐसा बना रखा है कि सब आपको आइटम मिलेगा यहाँ पे 10 रुपए का। तो भैया से ऐसे करते हैं, बात करते हैं। नाम है भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र है, वैसे जीतू बोलते हैं। जीतू कहते हैं भैया को, हम भी जीतू बोलेंगे। तो भैया ये आपको ऐसे आइडिया कैसे आया ये 10 रुपए में देने का? यार ये आइडिया मुझे काम करना था, इसलिए मुझे आइडिया आया। अच्छा, काम करना था तो आइडिया आया। क्या क्या बेचते भैया 10 में? सर 10 रुपए में मैं राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल और दाल चावल और रायता। अच्छा, एक आइटम 10 रुपए में कोई भी ले, कोई भी आइटम सर 10 रुपए मिलेगा। तो अभी ये कितना टाइम हो गया आपको ऐसे? सर मुझे तो करीबन 11-12 महीने हो गया। 11-12 महीने? तो 11 महीने पहले ऐसे कैसे आइडिया आया? सर इससे पहले मैं नौकरी करता था जॉब। अच्छा। तो 1-1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2020 में। अच्छा। तो एक्सीडेंट के दौरान मुझे काफ़ी चोटें आई थी। अच्छा। उसके 8-10 महीने बाद मुझे कहीं काम नहीं मिला नहीं था। अच्छा, 10 महीने तो आपने काम ढूंढने की कोशिश करी वो, लेकिन 8-10 महीने मेरा इलाज चला था। अच्छा। उसके बाद जब मैं सही हुआ, थोड़ा लॉकडाउन खुला तो मैंने काम की तलाश में बाहर निकला, पर मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में आई थी कि मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए, तब मैंने सर ये काम किया। तो अभी दिखाओ भैया क्या क्या आइटम बना रखा है। सर मैंने आज मेरे पास चावल होंगे। क्या बात है, क्या बढ़िया चावल बना रखे हैं भाई। बासमती के चावल बना रखे हैं। और कढ़ी होगी सर। क्या बात है भाई, कढ़ी पकौड़े इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और दूसरी सब्जी होगी राजमा। और ये बना रखा भैया ने राजमा। क्या बात है, राजमा ही बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा है। मेरे तो मुँह से अभी पानी आने लग गया। अभी देखते हैं भैया जब बनाएंगे तो कैसा होगा टेस्ट। तो भाई अभी हमने देखा यार इतना टेस्टी टेस्टी खाना बना रखा है, तो अभी हम टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि भैया कैसा असलियत में कैसा है यार 10 रुपए में अगर इतना सारा आइटम देना इतनी महंगाई में। ये भाई इन भैया की मतलब वही इतनी मतलब कॉन्फिडेंट है भैया कि 10 रुपए में बिल्कुल टेस्टी दे सकते हैं। तो देखते हैं यार कि 10 रुपए हमें टेस्टी है कि नहीं है। तो अभी देखते हैं खा के। तो भैया एकदम ला दो एकदम प्लेट हमारी। देखो अपनी ये राजमा की तो प्लेट लगी है, लेकिन भैया की जो फेमस कढ़ी पकौड़ा है वो अपन अपने बनवाते हैं भैया से। एक बार बता दो कि कढ़ी पकौड़ा आपका मतलब मजा आएगा ना खाने में। जी सर। तो चलो एक बार बनवा दो हमारी कढ़ी पकौड़े की। और 10 रुपए में सिर्फ कढ़ी नहीं, साथ में पकौड़ा भी मिलेगा, और पकौड़ा एकदम लजीज एकदम टेस्टी। ये भैया ने ला दी प्लेट। अब ये आया हमारे बासमती राइस। ओहो क्या बात है, एकदम पूरा भर दिया है कि भाई मतलब पेट एक बंदे का पूरा भर जाएगा। तो भैया एक बंदे का पूरा पेट। तो ये भैया ने निकाली कढ़ी। ओ भाई क्या बात है यार, इतना टेस्टी पकौड़े। क्या बात, कढ़ी और साथ में पकौड़े और कढ़ी एकदम भर दी भैया ने। क्या बात। अब इसके बाद भैया क्या करेंगे? प्याज ये निकाला भैया ने। प्याज अनुसार है, जैसे किसी की इच्छा है तो डलवा सकते हैं। अच्छा, तो किसी की अगर इच्छा है तो अपनी इच्छा अनुसार डलवा सकते हैं। और साथ में डाल दी मिर्ची के पकौड़े। ओ पकौड़े नहीं, ये तो अचार निकला। साथ में नींबू का भी रखा हुआ है भैया ने। और ये कढ़ी चावल सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा। ये देखो क्या लिखा है, कढ़ी चावल और 10 रुपए। तो सिर्फ 10 रुपए में भैया दे रहे हैं। एक बार अपना नाम दोबारा बता दो। मेरा नाम सर जितेंद्र है, वैसे जीतू बोलते हैं। तो जीतू भाई की वजह से हमें मिल रहे हैं भाई 10 रुपए के कढ़ी चावल। क्या ही मजा आ गया। और साथ में हमारे भाई राजमा राइस भी आ गए भाई, जेसी भाई एकदम। चलो अब दोनों को टेस्ट करके बताते हैं कि भाई कैसे हैं। तो भाई अपनी तो प्लेट तो लग गई यार, लेकिन लोकेशन भैया से पूछना भूल गया। तो भैया एक बार लोकेशन बता दो, ये दुकान आपकी जो ये आपने कहाँ लगा रखी है? सर ये सेक्टर 23 की लाल बत्ती है। अच्छा, सेक्टर 23 है जो उसकी लाल बत्ती पे लगता है। पीछे बिजली बोर्ड है। पीछे यहाँ पे अगर पीछे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ बिजली बोर्ड होगा, और यहाँ पे देखो रेड लाइट है। रेड लाइट के जस्ट सामने देखो भैया की शॉप लगती है जिसका नाम है साई अन्नपूर्णा। तो भैया एक लास्ट सवाल था मेरा कि आपने इसका शॉप का नाम साई अन्नपूर्णा क्यों, मतलब क्या सोच के रखा? सर ये शुरू से ही साई बाबा को मानते हैं हम, इसलिए साई बाबा के नाम पे रखा था साई अन्नपूर्णा के नाम। तो भाई लोग जल्दी से कमेंट में लिख दो आप लोग भी ओम साई राम। और फिर यहाँ 10 रुपए के चावल और राजमा कढ़ी छोले सब खाने के लिए आ जाओ, और हम भी अब टेस्ट करते हैं एकदम मस्त तरीके से। पहले देखो अपनी यार, देखो कढ़ी और पकोड़े आ गए, देखो प्याज के देखो इतने बढ़िया बढ़िया इसमें लाल के, मिर्च का अचार
और यहाँ पकौड़ा इतना टेस्टी लग रहा है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया, मैं रोक नहीं पा रहा। साथ में अपने पास देखो राजमा राइस भी आ गए, और ये देखो इसमें भी भाई मिर्च का चार और साथ में नमक मसाला भी डाला हुआ है, स्वाद अनुसार सब कुछ डाला है। और एक चीज इन्होंने बोली है, जैसे मान लो किसी लोगों को प्याज पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को मिर्ची का अचार पसंद है, किसी को गाजर का पसंद है, तो हमें भाई हमें तो मिर्च का पसंद था, हमने अपने हिसाब से डाला, तो आप अपने हिसाब से भी चीजें डाल सकते हो। तो चलो यार सबसे पहले मैं भाई कड़ी स्टार्ट करता हूँ, कि भाई कड़ी भाई लग रही है बहुत टेस्टी। तो पहले पकौड़ा थोड़ा सा तोड़ा भाई, पकौड़ा तोड़ के अब ये देखो ये मैंने बाइट ले रहा हूँ भाई साहब, कितना भाई टेस्टी बना हुआ है ना, बहुत मस्त, मजा आ गया यार। 10 रुपए में इतना टेस्टी खाना देना, तो भाई मेरे को तो पता नहीं भैया कैसे कर रहे हैं, इम्पॉसिबल लग रहा है। पता नहीं भैया का बचता क्या होगा, बासमती के राइस और अब देखो भाई राजमा राइस दे रहे हैं, जो मैंने दिखाई दिया कि इसमें क्या क्या ये सारी चीज़ें आइटम है। और अब राजमा राइस का एक बाइट लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर प्याज रख के भाई साहब, बहुत ज्यादा मस्त और टेस्टी बना हुआ है। साथ में मिर्च का अचार है, तो मिर्च भी अपने साथ खा लो, प्याज डालना है तो प्याज डाल लो, मसाला अगर कम लग रहा है तो कम से ज्यादा डाल दो, जितना डाल लो उतना डलवा सकते हैं। तो चलो मैं इसको तो खत्म कर लेता हूँ, बहुत मस्त है। जा ही रहा था मैंने देखा यहाँ पे एक भैया यहाँ पे अभी और खा रहे थे, यहाँ पे खा रहे थे, क्या खा रहे हो आप? मैं चावल राजमा, राजमा राइस खा रहे भैया। और राजमा कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे खाते हुए? 3 महीने से खा रहा हूँ। 2-3 महीने से खा रहे हो, तो कैसा मतलब कैसा लगता है आपको खाना? बहुत बढ़िया टेस्टी खाना है, 10 रुपए में इतना सारा मिल जाता है, जो फरीदाबाद में कहीं पर भी नहीं है, इतना सस्ता और बढ़िया। ये लड़का बहुत अच्छा बनाता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें मसाला वसाला जो भी डालता है बहुत बढ़िया डालता है, इसे मतलब गला नहीं पकड़ता, एकदम मस्त लगता है मुझे, घर जैसा खाना लगता है, घर जैसा खाना लगता है। 10 रुपए में इतना अच्छा खाना, हाँ बहुत बढ़िया खाना। चलो भैया आप अपना एंजॉय करो भैया, हम अपना आते हैं थोड़ा। अपना खाना तो खत्म हो गया, तो भैया बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना रखा था, और मतलब अच्छा सा टेस्टी सा था बिल्कुल, घर से भी ज्यादा मतलब घर जैसा टेस्ट था और घर से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा था, मतलब दोनों का मिक्सचर था। तो यार मैं ये कह रहा था, लेकिन यार एक भी बात बताओ मेरे को, आप ये 10 रुपए में एक मतलब प्लेट बेचते हो राजमा राइस, और उसमें आप इतना सारा आइटम डालते हो, प्याज डालते हो, प्याज आज के टाइम पे 100 रुपए किलो प्याज है, फिर भी आप इसमें क्या बचा लेते हो, बचता भी है कुछ आपका? सर ज्यादा तो नहीं, प्लेट पे 1 रुपया 1.5 रुपया बस यही बचता। अच्छा 1-2 रुपए बच जाते हैं, तो अपना खाना पानी चल जाता है। चलो ठीक है, धीरे धीरे अभी और बढ़ जाएगा भाई, लोग थोड़ा भैया को सपोर्ट दिखाओ। सेक्टर 23 में बिजली क्या बिजली बोर्ड के सामने रेड लाइट के पास में भैया का लगता है, नाम है साई अन्नपूर्ण, साई अन्नपूर्ण है भैया का नाम, जीतू, राजमा राइस सब आइटम आपको मिलेगा सिर्फ 10 रुपए में। तो आना भैया को थोड़ा सपोर्ट दिखाना, अपना प्यार दिखाओ यार, ताकत दिखाओ अपनी, बस रोजगार थोड़ा करवा दो भैया का, बाकी और कुछ नहीं। आज की डेट में जैसे भैया का पैर पे लगी, भैया बता रहे थे थोड़ा कंधे मंधे पे भी लगी थी एक्सीडेंट जब हुआ था, उसके बाद भी कोई अगर इतने करके लड़के अपने आप से लड़के इतना एक अपना खोले, बहुत बड़ी बात है वो। तो भैया हैट्स ऑफ है आपको यार, बहुत समस्याएं झेली हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक हो जाएगा सब, बाकी अभी भी झेली हैं जो अपना ऊपर वाला, जो किसी किसी दिन तो लागत निकल जाती है, किसी किसी दिन लागत भी नहीं आती, तो अपना कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपका सब सही हो जाएगा, आज काम कर देते हैं पूरा एकदम टेंशन फ्री।